जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपके लिए, यूपी ट्रिपल एससी यानी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीटी के सिलेबस की घोषणा कर दी है। पीटी का सिलेबस ऑफिशियली जारी हो चुका है। हम देखेंगे कि हमें जो है समूह ग की नौकरी पाने के लिए किस परीक्षा से गुजरना होगा और क्या पढ़ना होगा, उसका सिलेबस पीटी का सिलेबस यूपी ट्रिपल एससी ने जारी कर दिया है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जारी कर दिया है। यानी अब आपको अगर उत्तर प्रदेश में समूह ग के पद की नौकरी लेनी है तो सबसे पहले आपको पीटी परीक्षा देनी होगी, एक प्रारंभिक अर्हता परीक्षा देनी होगी। उसे पास करने के बाद ही आपका आपके नाम पर विचार किया जाएगा। यानी जितने भी लोग हैं उत्तर प्रदेश में समूह ग के पद पर सरकारी पद को ज्वाइन करना चाहते हैं उनको पीटी देना अनिवार्य हो गया है। इसलिए उन सबको इसका सिलेबस जरूर देखना चाहिए कि क्या पूछा जाएगा। एटलीस्ट सबको जो है पीटी परीक्षा देनी है। पीटी का नाम है प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी प्राथमिक अर्हता टेस्ट, प्राथमिक अर्हता परीक्षण। इस अर्हता परीक्षण का सिलेबस जो है कई दिनों से अपेक्षित था और यूपी ट्रिपल एससी ने जो है इसे जारी कर दिया है। आइए देखते हैं कि सिलेबस क्या है, कितने अंकों की परीक्षा होगी, कितना आपको समय दिया जाएगा और उस हिसाब से आप रणनीति बना करके जल्दी से जल्दी अपनी सरकारी नौकरी पाने की महत्वाकांक्षा को पा लेंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से ये न्यूज आई है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से न्यूज ये है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा का सिलेबस जारी हो गया। थोड़ा सा सूचना आप देखेंगे तो 20 फरवरी डेट दिखाई पड़ रहा है आपको और सूचना आपको दिखाई पड़ रही है। आवश्यक सूचना अगर आप पढ़ेंगे तो आवश्यक सूचना आपको दिखाई पड़ रही है कि द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली अपनाए जाने का अनुमोदन। द्विस्तरीय का मतलब एक बार आपको पीटी देना होगा, उसके बाद जिस पद की नौकरी है उसका अलग से एग्जाम देना ही होगा। यानी आपको पीटी पद से जरूर गुजरना है, पीटी के परीक्षा के चरण से आपको जरूर गुजरना है। तो द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली अपनाए जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है। उसके अनुसार प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के कार्यक्रम एवं पाठ्यक्रम पर अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है, यानी उसका सिलेबस ऑफिशियली जारी कर दिया गया है। आइए देखते हैं नीचे जल्दी से कि सिलेबस इसका क्या दिया गया है। थोड़ा सा देखिए, ये इसका ऑफिशियल नोटिस है। आशुतोष मोहन अग्निहोत्री की सचिव जी हैं, उनकी तरफ से यह लेटर जारी हुआ है। उसके पहले यह शासन को प्रस्ताव गया था जिस पर शासन ने सम्यक विचार किया। और आप यहां से देखिए, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पीईटी हेतु प्रस्तावित पाठ्यक्रम क्या है। सबसे महत्वपूर्ण बात नोट करने वाली ये है कि जो परीक्षा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा जो होने वाली है उसका उसमें आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। यानी आपके पास सवालों को हल करने के लिए 120 मिनट का ही समय होगा, ठीक। पहली महत्वपूर्ण बात आप नोट कर लीजिएगा कि प्रश्न पत्र 2 घंटे में आपको हल करना होगा। दूसरा, पूर्णांक जो है उसका कितना होगा, 100 नंबर का होगा। 100 नंबर का आपको पेपर दिया जाएगा। और प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, प्रश्नों की संख्या भी होगी 100 नंबर। यानी एक प्रश्न कितने नंबर का होगा, एक प्रश्न होगा 1 अंक होगा, ठीक है ना। एक प्रश्न 1 अंक, 100 प्रश्न 100 अंक, 100 प्रश्नों को आपको हल करना होगा 120 मिनट में। सबसे पहले जो सिलेबस दिया गया है उसको देखते हैं कि सिलेबस में सबसे पहला स्थान किसको दिया गया है। तो आप देखेंगे सबसे पहले जो पहला जो स्थान है सिलेबस में वो दिया है क्रम संख्या 1 पर और नाम लिखा है भारतीय इतिहास, ठीक है ना। क्या नाम लिखा है, भारतीय इतिहास। यानी भारतीय इतिहास में आपको सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य धर्म, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल से लेते हुए और सल्तनत काल, मराठा, मुगल, ब्रिटिश, ये सब पढ़ना है। ये सब जो हो जो मतलब भारतीय इतिहास से जो पूरा पेपर है वो आएगा 5 अंकों का। यानी 5 प्रश्न उससे क्या किए जाएंगे, आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। भारतीय इतिहास से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास सम्मिलित है। ध्यान दीजिएगा, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक काल का कुछ इतिहास मिलाकर के आपसे 5 प्रश्न पूछा जाने वाला है और 5 अंकों का यह खंड होगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और दूसरा सेक्शन क्या दिया गया है। दूसरा सेक्शन आपसे क्या दिया गया है इसको देखते हैं। चलिए आगे बढ़िए, इतिहास के बाद जो दूसरा नंबर दिया है वो दिया है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का। किसका नाम दिया है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का। अब आप जानते होंगे कि यह भी जो है भारतीय इतिहास का ही हिस्सा रहा है, भारत के आधुनिक भारत के इतिहास का ही हिस्सा रहा है, इंडियन नेशनल मूवमेंट। इसको भी अलग से पूछा जाएगा, यानी
पूरा राष्ट्रीय आंदोलन जो शुरू हुआ था उस पर 5 नंबर के प्रश्न आएंगे, 5 प्रश्न आएंगे 5 अंकों के, ठीक है ना, जिसमें स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष में क्या कार्य हुआ, स्वदेशी सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या हुआ, उसमें नेताओं की क्या भूमिका थी, महात्मा गांधी की क्या भूमिका थी, क्रांतिकारी आंदोलन क्या था, उप राष्ट्रवाद का उदय कब हुआ, और विधायी संशोधन क्या हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो 1935 का एक्ट था वो क्या होगा, उसको सब कुछ डिटेल में जो है कोचिंग जंक्शन ऐप पर आपको पढ़ाया जाएगा। पीटी की एक रेगुलर डेडिकेटेड बैच जो है आपके कोचिंग जंक्शन पर चलाई जाएगी। आप तुरंत कोचिंग जंक्शन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपडेट रहते रहें। और अगर आपने अभी प्ले स्टोर से कोचिंग जंक्शन का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो तुरंत ऐप डाउनलोड कर लें। इस वीडियो के लिंक बॉक्स में भी ऐप का लिंक है, उसको लिंक पे क्लिक करके ऐप डाउनलोड कर लीजिए। और इस बार इस वर्ष मान के चलिए कि 50,000 से ज़्यादा भर्तियाँ आ रही है, 50,000 से ज्यादा भर्तियां आपको जीवन में दोबारा कभी नहीं मिलने वाली हैं। आपकी उम्र बीत जाएगी और आप बिना सरकारी पद के ही बेरोजगार रह जाएंगे। इस बार मौका चूकना नहीं, इस बार नौकरी लेकर के रहना है और कोचिंग जंक्शन पर मन लगा के धुआंधार पढ़ाई करनी है। केवल एक ही सपना नौकरी हो अपना, केवल एक ही सपना नौकरी हो अपना। और समूह ग की इस बार की जितनी वैकेंसी आ रही वो सब आपके लिए पूरा सुनहरा मौका है। चलिए देखते हैं अगला न्यूज क्या है, अगली न्यूज़ क्या है, मतलब अगला सिलेबस का हिस्सा क्या है। सिलेबस के हिस्से में तीसरा जो पार्ट आता है वो भूगोल का आता है। आपने देखा इतिहास में 2 खंड कर दिया गया है, एक प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास को मिला करके 5-5 अंकों का दे दिया गया है। उससे मतलब पूरे इतिहास खंड से कितने प्रश्न हो गए, 10 प्रश्न हो गए 10 नंबर के। दूसरा जो सब्जेक्ट दिया गया है वो भूगोल का दिया गया है। भूगोल में आपसे दिया गया है 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 अंकों के होंगे, ठीक है ना। क्या क्या पूछा जाएगा, एक भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल पूछा जाएगा, जिसको आप फिजिकल कहते हैं। इसमें नदियां, भूजल संसाधन, पर्वत, मरुस्थल, वन, खनिज, एक खंड इससे पूछा जाएगा। उसके बाद भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जो मैं आपको करंट अफेयर्स के वीडियोज में पढ़ाता हूं, साहिल सर जो आपको पढ़ाए हैं, प्रिंस सर जो आपको पढ़ाते हैं, वो सब पूछा जाएगा। जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन क्या है, जनसंख्यिकी विवरण क्या है, ध्यान दीजिएगा इस वर्ष जो है जनसंख्या गणना भी होने वाली है, तो उससे भी संभावित प्रश्न जरूर बनेगा, उसको भी ध्यान देते रहिएगा। और देखते हैं सिलेबस में और क्या है, तो भूगोल के सिलेबस से 5 प्रश्न आएंगे, 5 अंकों के होंगे। अगला जो खंड है वो है भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमी की होगी। इंडियन इकोनॉमी से भी 5 प्रश्न होंगे, अर्थव्यवस्था से 5 प्रश्न होंगे, 5 अंकों के होंगे। उसमें दिया गया है कि एक खंड जो होगा वो 1947 से लेकर के 1991 तक के भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर पूछा जाएगा, जैसे योजना आयोग क्या था, पंचवर्षीय योजनाएं क्या थी, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या था, उनका विकास कैसे हुआ, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र क्या है, ये सब जो है खंड पूछे जाएंगे। किस पर, 1947 से लेकर के 1991 तक, यानी ये जो है आपका है स्टैटिक पोर्शन, ये जो है आपका फिक्स पोर्शन है अर्थव्यवस्था का। बाकी जो दिया गया है 1991 से आर्थिक सुधार 2014 के बाद से, ये सारा पोर्शन आपका करंट अफेयर्स से ज़्यादा रिलेटेड रहेगा, ठीक है ना। तो आप करंट अफेयर्स के वीडियोज़ को भी लगातार देखते रहेंगे, लगातार अर्थव्यवस्था के प्रमुख रेलिवेंट टॉपिकों से अद्यतन रहेंगे। अर्थव्यवस्था से पूछा जाने वाला प्रश्न होगा आपका 5 और 5 अंकों का जो है वह आएगा आपकी परीक्षा में। अगला देखिए, इसमें जीएसटी भी शामिल है। अर्थव्यवस्था में जो है जीएसटी एक अलग से टॉपिक सम्मिलित है, तो एक प्रश्न हो सकता है जीएसटी से भी पूछा जाए। अगला जो खंड दिया गया है सिलेबस में, 5वां जो खंड है वो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान से। नाम लिखा है उसका भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसका सिलेबस क्या दिया गया है, भारतीय संविधान में आपसे क्या पूछा जाएगा, भारतीय संविधान में आपकी पूछा जाएगा कि भारत के संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या है, दूसरे संविधानों से तुलना की जाएंगी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है, उनका सिद्धांत क्या है, मौलिक अधिकार क्या है, फंडामेंटल राइट क्या है, जिसे हम 12 से 35 अनुच्छेद के अंतर्गत पढ़ते हैं भारतीय संविधान के खंड 3 में, संसदीय प्रणाली क्या होता है और राष्ट्रपति प्रणाली क्या होता है, सरकार का गठन क्या होता है, संघीय प्रणाली क्या है, न्यायिक ढांचा क्या है, सर्वोच्च न्यायालय का क्या कॉन्सेप्ट है, इन सब के बारे में आपको बेसिक नॉलेज जो है और क्लियर कट नॉलेज आपको रखना होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आप पिछला वीडियो का पेपर देखे होंगे तो आप पाएंगे कि UP SSSC के परीक्षा में प्रश्न पूछने का जो पैटर्न है वो काफ़ी बदल गया है, बदल करके जो है वह धीरे धीरे करके कॉन्सेप्चुअल होता जा रहा है। तो आपको रटने के बजाय जो है थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल मोड में एग्जाम की तैयारी करनी है, और कोचिंग जंक्शन इस कॉन्सेप्चुअल तैयारी करने के लिए आपके लिए ढेर सारे एक्सपर्ट टीचरों को आपके लिए जो है लेकर के बैचे शुरू किया है।
ढेर सारे एक्सपर्ट टीचर्स जो है अलग अलग विषयों के एक्सपर्ट टीचर्स आपको कोचिंग जंक्शन पर जो है पढ़ाते रहेंगे। फिलहाल अभी हम सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, देखते हैं अगला सिलेबस क्या है। अगला सिलेबस है सामान्य विज्ञान का। अब ध्यान दीजिए, ये छोटा सा टॉपिक भी कितना महत्वपूर्ण है, जितना पूरे भूगोल से पूछा जाएगा उतना ही प्रश्न पूछा जाएगा सामान्य विज्ञान से भी। 5 अंक होंगे और 5 प्रश्न होंगे किसके, सामान्य विज्ञान के, जिसमें सबसे ज्यादा प्रश्न प्रायः आप जानते हैं जीव विज्ञान से पूछा जाता है, विटामिन्स वगैरह से पूछा जाता है, मानव के जो है अंगों से पूछा जाता है, फिर उसके बाद भौतिक विज्ञान हो गया, रसायन विज्ञान हो गया। तीनों खंडों से जो है आपके 5 प्रश्न जो है पूछे जाने हैं और 5 नंबर के होंगे। अगला जो टॉपिक है वो है गणित का, प्रारंभिक गणित नाम से सिलेबस में दिया गया है, इस पर भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी गणित से घबराने वालों के लिए थोड़ा सा आसान है क्योंकि प्रश्न पूछे जाने वाले हैं 5 अंक कितने हैं उसके 5, लेकिन छोड़ना नहीं है, इसमें 5 में 5 प्रश्न आपको हल करने हैं। गगन सर आपको मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, गगन सर के अगर मैथ की क्लासेस आप देखेंगे कोचिंग जंक्शन पर तो आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाले हैं। क्या क्या पूछा जाएगा उसको थोड़ा सा देखते हैं। पूछा जाने वाला है आपका टॉपिक पूर्ण संख्या क्या है, भिन्न दशमलव क्या है, प्रतिशतता क्या है, साधारण अंक गणितीय समीकरण जैसे ये सब कर दिया जाए, 2 × 3 + 5 - इस तरीके के समीकरण, वर्ग, वर्गमूल, घातांक, करणी, औसत, इन सब टॉपिक्स में लेकर के, मतलब बहुत ही एलिमेंट्री प्रकार का जो मैथमेटिक्स है वही पूछा जाने वाला है। टॉपिक्स हिसाब चैप्टर के हिसाब से देखा जाए तो केवल चैप्टर कितना दिया गया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्रकार का जो है टॉपिक दिया गया है। इन 6 टॉपिकों को अच्छे से तैयार करना है, लेकिन हमें आपको केवल इतने टॉपिक तक ही सीमित नहीं रखना है, कभी कभी इसके बाहर से भी जो है प्रायः सिलेबस आ जाता है क्योंकि एग्जामिनर जो है एकदम सिलेबस को लेकर के उतने दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं रहते हैं। कभी कभी कोई कोई एग्जामिनर जो है इसके बाहर का भी प्रश्न दे देता है तो उसमें आप दोष नहीं दे पाएंगे कि ये तो सिलेबस में नहीं था, थोड़ा सा जो है जनरल टाइप का और भी बाहर तैयार करते रहना, लेकिन इन टॉपिकों पर महत्वपूर्ण ध्यान देना है। और ध्यान दीजिएगा कि हिंदी भी शामिल होगा, हिंदी के भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और उन पांचों प्रश्नों के कुल अंक मिलाकर के कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। हिंदी में आपको संधि पढ़ाया जाएगा, विलोम शब्द होंगे, पर्यायवाची शब्द होंगे, वाक्यांशों के लिए शब्द होंगे, लिंग, मुहावरे, सामान्य शुद्धियां, लेखक रचनाएं, इन सब बातों से आपकी जो है इन सब टॉपिक्स से परीक्षा में क्या होंगे प्रश्न पूछे जाएंगे। 9वां टॉपिक देखते हैं आपके सिलेबस में और क्या है, और क्या आपको पढ़ना होगा पीजी निकालने के लिए, समूह ग की नौकरी लेने के लिए और आपको क्या पढ़ना होगा, तो और आपको पढ़ना होगा एक जनरल अंग्रेजी, सामान्य सी अंग्रेजी भी पढ़नी होगी। अंग्रेजी में अंग्रेजी व्याकरण नाम से एक टॉपिक दिया है, दूसरा दिया है अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। उसमें आपको क्या दे दिया जाएगा, उसमें आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा और पैराग्राफ के आधार पर प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, आपको उसका सही जवाब देना होगा। 5 प्रश्न होंगे और 5ों प्रश्नों के आपको 5 अंक दिए जाएंगे। 10वां है रीजनिंग का टॉपिक है, जिसको आप लॉजिक एंड रीजनिंग नाम से दिया गया है, तर्क एवं तर्क शक्ति नाम से दिया गया है। और इसमें जो चैप्टर्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं बृहद एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध आप जानते हैं रक्त संबंध की बात होती है, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर और घड़ी भी पूछी जाएगी, कारण और प्रभाव पूछा जाएगा, कोडिंग डिकोडिंग जिसको जो है आपने देखा होगा प्रतीक सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया है और पीटी एग्जाम के लिए आपको बेहद एकदम कंठस्थ करा देंगे, उतने उच्च स्तर की उतने ठीक ठाक ढंग की कोडिंग डिकोडिंग आपको पढ़ा देंगे, कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होने पाएगा। निगमनात्मक तर्क होगा, मतलब सिलोगम भी पूछा जाएगा आपको, ठीक है। चलिए और देखते हैं, और अगला टॉपिक क्या है, करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक है। अब ध्यान दीजिए बंधु, ध्यान दीजिए, आप करंट अफेयर के वीडियो को प्रतिदिन देखिए क्योंकि करंट अफेयर से आपकी परीक्षा में सबसे ज्यादा प्रश्न 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और 10 अंकों के होंगे। यानी कोचिंग जंक्शन पर मैं जो आपको प्रतिदिन 7 बजे करंट अफेयर की सीरीज लेकर के आता हूँ वह आपकी पीटी परीक्षा के दृष्टिकोण से अनिवार्य है। आप मान के चलिए कि आपकी परीक्षा में आने वाले ज़्यादातर प्रश्न इसी करंट अफेयर से होने वाले हैं, इसी करंट अफेयर से आने वाले हैं। तो डेली करंट अफेयर के सोच को जो है आप जरूर देखिएगा क्योंकि इस पर पूरे करंट अफेयर के टॉपिक से 10 प्रश्न पूछे जाने हैं और 10 अंकों के होंगे। एक और टॉपिक है जिसको आप सामान्य जागरूकता या जीके बोलते हैं, जिसमें आप देखते हैं कि भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं, रट्टा मार वाला, जिसको आप जो है छोटी सी 5 रुपए की किताबों में बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, भारत के पड़ोसी देशों की देश राजधानी मुद्रा क्या है, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, संसद, राज्यसभा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन, उनके मुख्यालय, पर्यटन स्थल, कला संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल क्या क्या हैं,
भारतीय अनुसंधान संगठन कौन कौन सी है, पुस्तकें और लेखे कौन कौन सी है। तो एक जो है कॉमन, जिसे आप जीके कहते हैं, जीके से भी आपको ढेर सारा प्रश्न देखने को मिलेगा, यानी जीके से भी आपको 10 प्रश्न दिए जाएंगे। कितने प्रश्न दिए जाएंगे? 10 प्रश्न दिए जाएंगे और 10 अंकों के होंगे। यानी आपको कहीं न कहीं प्रतिदिन अखबार पढ़ना होगा, जनरल अवेयरनेस आपको बनाए रखना होगा और रेगुलर जो है क्या रहना होगा, रेगुलर तथ्यों से अपडेट रहते रहना होगा। इतना प्रश्न पूछने के बाद आपसे जो है दो अलग से गद्यांश पूछे जाएंगे, 5-5 अंकों के होंगे और उनका अंक कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इस प्रकार से 100 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। कितना प्रश्न पूछा जाएगा? 100 प्रश्न पूछा जाएगा। कितने अंकों का होगा? 100 अंकों का होगा और परीक्षा के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। ध्यान ये दीजिएगा कि इस 100 अंक में अगर आप 85 अंक से कम लाएंगे तो आप समझ लीजिए कि आपकी मेरिट में, आपको मेरिट में कोई स्थान मिलने वाला नहीं है, आपको द्वितीय चरण में कोई स्थान मिलने वाला नहीं है। चलिए और देखते हैं और क्या दिया गया है। और तो मेरे ख्याल से मैं आपको भूल गया था, 2 खंड इसमें बचे रह गए थे। एक तो था ग्राफ की व्याख्या और विश्लेषण, जिसमें 2 ग्राफ दिए जाएंगे, ठीक है ना, 2 ग्राफ दिए जाएंगे, उससे भी 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। और तालिका की एक व्याख्या करनी होगी, एक आपको टेबल दिया जाएगा, ठीक है ना, उसमें आपकी एनालिटिकल सोच देखी जाएगी, एक ऐसे टेबल करके लिखा रहेगा, उसमें ढेर सारे फैक्ट्स लिखे रहेंगे, उस आधार पर उस तालिका की एनालिसिस करनी होगी आपको और उस पर भी जो है आपको 10 अंक दिए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो दोनों प्रश्न हैं, ये दोनों प्रश्न मैथ और रीजनिंग के सब्जेक्ट, मैथ और रीजनिंग के टॉपिक से हैं, ठीक है ना। अगर आपके मैथ और रीजनिंग दोनों सही है तो आप इन दोनों खंडों को बड़े आराम से हल कर लेंगे। तो यह भी मैथ और रीजनिंग का ही हिस्सा है कहीं ना कहीं करके, लेकिन इससे आपको जो है विशेष प्रश्न पूछा जाने वाला है, ठीक है ना। चलिए और क्या दिया है, ध्यान दीजिए, और शर्त भी दिया है। शर्त दिया गया है कि क्रमांक 1 से 9 पर अंकित शैक्षणिक विषयों में संबंधित प्रश्नों की कठिनाइयों का स्तर NCERT लेवल का होगा। कौन सा? NCERT की 12वीं लेवल का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना। इसमें दिया गया है सेकेंडरी आब्लिक सीनियर सेकेंडरी, यानी 10वीं या 12वीं स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी प्रश्नों का पैटर्न क्या होगा, कठिनाई का लेवल क्या होगा, तो वो आप मान के चलिए कि जो NCERT का लेवल है, 12वीं के सिलेबस का जो लेवल है कठिनाई का, उस लेवल का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। और क्या दिया है? और दिया है कि परीक्षा का प्रकार वस्तुनिष्ठ होगा। वस्तुनिष्ठ कहने का मतलब विकल्पी प्रश्न होंगे, जिसमें आपको 4 में से 1 विकल्प, 4 या जितने भी विकल्प दिए जाएंगे, अभी विकल्पों का खुलासा नहीं किया गया है, जितने भी विकल्प दिए जाएंगे उसमें से 1 सही विकल्प का आपको चुनाव करना होगा, ठीक है ना। प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/4 अंक की कटौती की जाएगी, यानी भैया PET एग्जाम में निगेटिव मार्किंग भी होगी। आपको उन्हीं उत्तरों को हल करना होगा जिन पर आपका कॉन्फिडेंस है, जिन्हें आपको लगता है कि हाँ ये जो है सही होगा, कहीं ना कहीं उन्हीं प्रश्नों को आपको हल करना होगा। तुक्का नहीं लगाना है, ठीक है ना, तुक्का वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग जो है इसमें होने वाली है। तो इस PET के सिलेबस में ढेर सारे जो है कुछ नए पैटर्न्स पर प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, कुछ नए विषय शामिल कर दिए गए हैं, जैसे तालिका वगैरह समृद्ध कर दिया गया है, उन सब के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। अगर आपने कोचिंग रिवीजन का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो तुरंत इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उस लिंक को क्लिक कर दीजिए, ऐप वाले लिंक को, और आज ही रजिस्टर कर लीजिए। आज ही से अगर आप तैयारी करेंगे तभी आप इस ढेर सारे कम्पिटिटिव माहौल में आप PET क्वालिफाई कर पाएंगे। और ध्यान दे लीजिए कि अगर आपने PET क्वालिफाई नहीं किया तो आप दूसरे लेवल में जाने के हकदार ही नहीं होंगे, यानी PET क्वालिफाई करना आपको अनिवार्य हो गया है। लगभग 50,000 से ज़्यादा भर्तियां जो है आने वाली हैं, तो आज से और अभी से ही तैयारी नियमित शुरू कर दीजिए कोचिंग जंक्शन के साथ। आपके लिए बेस्ट ऑफ लक, ढेर सारी शुभकामनाएं परीक्षा के लिए। जय हिंद।